तो यहाँ पर अभी प्रैक्टिस चालू है, उनके काफी सारे प्लेयर्स अभी फील्ड पर खड़े हैं। और ये पूरी स्टेडियम की कैपेसिटी है ना करीब 45,000 लोगों की है, तो देखो एक साथ इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पानी का ग्लास है ना, ये लोग 50 रुपीज से 100 रुपीज तक का सेल कर रहे हैं। यहाँ एग्जिट के टाइम पर कितना ज्यादा क्राउड हो चुका है, यहाँ से बाहर निकलना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो गया अभी। हाय गाइस, आज डेट है 1 अप्रैल और हम लोग आए हुए हैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जो की आज मैच हो रहा है यहाँ पर मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का। और मैं आपको ना स्टेडियम का तो पूरा टूर देने वाला हूँ। और स्टेडियम के अंदर है ना ऐसी काफी सारी नेगेटिव चीजें होती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जैसे फूड के रेट्स काफी हाई होते हैं, फूड की क्वालिटी आपको वैसी नहीं मिलती है, काफी सारी चीजें आपको अंदर नहीं लेकर जाने देते, उसकी वजह से भी काफी परेशानियां होती है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको स्टेडियम के अंदर क्या क्या सारी नेगेटिव चीजें हैं उसके बारे में सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। और अगर आईपीएल देखने कोई भी अगर स्टेडियम में जाने वाले हो तो आपको ये वीडियो जरूर काम आने वाली है। तो हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं और सामने की तरफ है यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम। ये जो हमारा गेट नंबर 4 था ना, वो थोड़ा यहाँ से लंबा है। ऑलराइट, सो गाइस देख सकते हो हम लोग स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर ये तरफ सिक्योरिटी चेकिंग होता है, उसके पहले भी है ना यहाँ पर 2 से 3 लेयर की चेकिंग होती है। तो अंदर आने के टाइम है ना आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर नहीं लेके जाने देता है, जैसे पानी की बॉटल, फूड की आइटम्स कुछ भी हो अंदर आपको अलाउड नहीं है। और कोई भी मेटल की चीज़ आपने पहन रखी हो, जैसे कड़ा पहना है या कहीं भी बॉडी पार्ट्स में कुछ भी मेटल की चीज़ें आप पहन रहे हो तो वो आपको अंदर अलाउड नहीं करेंगे। तो आप अपने साथ वॉचेस ले जा सकते हो, मोबाइल ले जा सकते हो, स्मॉल कैमरा है तो वो ले जा सकते हो, स्पेक्स ले जा सकते हो, सनग्लासेस अलाउड है, और फिर वॉलेट अलाउड है। वॉलेट के अंदर भी कोई भी कॉइन्स नहीं होने चाहिए, वो कॉइन्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर कोई भी कॉइन्स होते हैं ना आपके पास तो कॉइन्स है ना वो लोग सीधा ले लेंगे आपको, आपको बाहर कहीं भी लॉकर्स भी फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। और वो कॉइन्स है ना सारे यहाँ पर डोनेशन में चले जाते हैं क्रिकेट एसोसिएशन को। देख सकते हो अभी हम लोग स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर नॉइस तो काफी ज्यादा है, उसको इग्नोर करना। और आप मेरे पीछे देख सकते हो अभी हम लोग अर्ली आए ना, तो यहाँ पर अभी प्रैक्टिस चालू है, उनके काफी सारे प्लेयर्स अभी फील्ड पर खड़े हैं। और देख सकते हो हम लोग यहाँ पर पिच से ना काफी ज्यादा पास में है। देखो अभी 7:30 हो चुके हैं और अभी फाइनली जाके ना मैच स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको स्टेडियम का पूरा ओवरऑल लुक दिखा दूं, आप देखो काफी मैसिव है और काफी अनरियल लगता है ये। ये हम जो स्टैंड में है ये देख सकते हो सचिन तेंदुलकर स्टैंड है, ऐसे ही सारे है ना सब जगह यहाँ पर अलग अलग स्टैंड्स बने हुए हैं। आगे है और वो तरफ सारे यहाँ पर VIP बॉक्सेस है, और ये तरफ देखो ये सामने एक कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पर। और ये पूरी स्टेडियम की कैपेसिटी है ना करीब 45,000 लोगों की है, तो देखो एक साथ इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कभी आप लोग भी अगर यहाँ स्टेडियम में आ रहे हो ना तो नीचे वाली सीट से यहाँ पर सिलेक्ट मत करना, क्योंकि देखो ये 6-7 रो है ना यहाँ पर, उसके बीच में तो ये ग्रिल सी दिखती है, बाकी उसके ऊपर वाले यहाँ से है ना रो से काफी अच्छा व्यू मिलता है। और देखो स्टेडियम के अंदर है ना काफी सारे वेंडर्स यहाँ पर ऐसे फूड और ड्रिंक्स सेल करते हैं, लेकिन इसकी प्राइजेस है ना काफी ज्यादा हाई होती है। ये करीब पानी का ग्लास है ना ये लोग 50 रुपीज से 100 रुपीज तक का सेल कर रहे हैं यहाँ। और देखो स्टेडियम के अंदर है ना यहाँ पर आपको फ्री टी शर्ट्स भी मिल रहे हैं, और परचेज करना चाहो ना तो देखो उसकी ऑफिशियल मर्चेंडाइज वहाँ पे भी इसकी भी बूथ लगा हुआ है। बाहर आप पैसे वेस्ट करके यहाँ पर ले रहे हो और अंदर तो आपको ये सारी चीजें फ्री में ही मिल रही है। और देखो जो पेंटिंग्स आप यहाँ पर बाहर पैसे देकर करवाते हो वो आप अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवा सकते हो। तो गाइस देखो अभी रात से 11 बज चुके हैं और अभी जाकर मैच खत्म हो चुका है, और अभी ये ना मुंबई इंडियंस यहाँ पर हार चुकी है। तो अभी मैच खत्म हुई तो क्राउड यहाँ पर धीरे धीरे बाहर जाने लग रहे हैं। मुंबई इंडियंस वाले तो काफी पहले ही यहाँ पर बाहर निकलना स्टार्ट हो गए थे, और अब देखो अभी बाहर जाने में ना बहुत ज्यादा यहाँ पर क्राउड होने वाला है। एग्जिट के टाइम पर कितना ज्यादा क्राउड हो चुका है, यहाँ से बाहर निकलना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। अभी करीब बाहर आने में ही ना हमें आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया, क्योंकि इतना सारा क्राउड है ना एक साथ बाहर आ रहा था, इसलिए वहां पर मूव ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई थी, क्रश हो गया था। और तो देखो काफ़ी ज़्यादा फन रहा यार, मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल्स भी शेयर करी कि अभी आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आओगे तो आपको पता है क्या क्या चीज़ें नहीं लानी है, क्या क्या लानी है, कैसे टिकट्स बुकिंग करनी है, सारी डिटेल्स मैंने तो वो आपको बताई दी है। तो बस अभी हम है ना ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट द रॉन्ग थिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल द टाइम गुड बाय।